हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इनलाइटनिंग योरसेल्फ। दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ आवर स्टूडेंट्स स्पेशल सीरीज, दैट इज़ स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। मतलब क्या है बेटा, कि हम स्टडी भी करें लेकिन एक स्मार्टर वे में, हार्डर वे में नहीं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि लेस टाइम में, जितना टाइम है हमारे पास, उस लेस टाइम में भी हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हैं, एक सिस्टमेटिक वे में स्टडी करने से होता है ये मार्क्स। सो इस वीडियोज़ में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी, ध्यान से सुनते रहो। सो सबसे पहला पॉइंट है, दैट इज़ स्टडी प्लेस। आपका अपना स्टडी प्लेस कभी भी चेंज नहीं करना चाहिए बेटा, अपना स्टडी प्लेस फिक्स रखो। अब एक रीज़न है, मैं बता रही हूँ क्या रीज़न है उसके। हर एक चीज़ के पीछे रीज़न होता है बेटा। क्या रीज़न है? क्योंकि हमारा जहाँ हम स्टडी करते हैं वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। पावरफुल कैसे हो जाता है? देखो, जैसे हम दो स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक स्टूडेंट से बहुत मौज मस्ती वाले और एक स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा अपने स्टडीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले, और जो अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, एम को अचीव करना चाहते हैं और लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहते हैं। तो अगर एक स्टूडेंट एक ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप में जाएगा जो मौज मस्ती वाले हैं, तो उसका मन भी क्या करेगा कि यार लाइफ में मौज मस्ती तो करनी चाहिए, वरना तो क्या ज़िंदगी में कुछ नहीं है। लेकिन वही सेम स्टूडेंट्स, अगर एक अच्छे स्टूडेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स अपना गोल बना के रखते हैं, जिस स्टूडेंट में एम बना के रखते हैं अपना लाइफ में किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए, कहाँ हमारा टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं, तो उस स्टूडेंट को ये लगेगा कि मैंने तो अपना ज़िंदगी का टाइम ऐसे ही वेस्ट कर दिया। ये देखो, ये स्टूडेंट्स कितने अपने आप को लाइफ में सक्सेस करने के लिए कितना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो दोनों के इन्वायरमेंट का उसके दिमाग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से जैसा हमारा इन्वायरमेंट होगा बेटा, उसी तरीके से हमारे दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है। अगर हम ऐसे जाके रूम में बैठेंगे जहाँ पे हम डेली स्टडी करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आएगा कि यहाँ पे हमें स्टडी करनी है। जैसे आपको खाने के टेबल पे बिठा देंगे तो आपको कभी भी स्टडी का मन नहीं करेगा, आपको ऑटोमेटिकली भूख लगेगी। नेक्स्ट वन, फोकस। अब देखो, हम जब स्टडी करते हैं तो हमारा फोकस कितनी देर तक रह पाता है? कुछ स्टूडेंट्स तो 20 मिनट्स तक स्टडी कर पाते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो उस चीज़ को मतलब फेडअप हो जाते हैं उससे पढ़ते पढ़ते, बाद में उसको समझ आने से रह जाता है। लेकिन इसमें भी एक सर्वे में पता चला है कि कितना भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स क्यों ना हो, उसको 40, 45 या 1 आवर से ज़्यादा अपने किसी भी टॉपिक को पढ़ रहा है तो उसमें फोकस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, हमें जब भी हम कोई स्टडी करते हैं तो थोड़े टाइम के बाद जब हमारा फोकस हट जाए वहाँ से, मतलब हम उस स्टूडेंट उस पर ये लगा लो आप कि आपका कंसंट्रेट नहीं हो पाए, तो हमें क्या लेना चाहिए, एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। उससे क्या होता है, कम से कम 10-15 मिनट्स का ब्रेक के बाद हम दोबारा एनर्जेटिक हो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं ना कि चल मुझे याद नहीं होगा, मैं 1 घंटे का टारगेट 1.5 घंटे का टारगेट बना के रखा है, तो 1.5 घंटे से पहले मैं उठूँगा नहीं कि मुझे ये पढ़ के उठना है। लेकिन नहीं, अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो समझो आपको बीच में ब्रेक की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा अपने कोई अच्छे दोस्तों के साथ या मम्मी पापा के साथ या अपने बहन भाई के साथ थोड़ा सा आप मौज मस्ती में टाइम निकालो, 10-15 मिनट्स, उसके बाद आप फिर से नेक्स्ट स्टडी के लिए तैयार हो जाओगे। तो इसलिए ब्रेक ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो बेटा, स्टडी एक्टिवली। अब देखो, हमारे दिमाग में एक पॉइंट आता है कि एक्टिवली कैसे स्टडी होती है, एक्टिवली कैसे स्टडी होती है। देखो, जब भी हम पढ़ते हैं ना, तो पेंसिल को सारे वर्ड्स अंडरलाइन नहीं करने चाहिए, हमें वही वर्ड अंडरलाइन करने चाहिए जो मेन है। जैसे अब हमें हेल्पिंग वर्ड्स आ जाती है बीच में, इज़, आर, एम, ये सब कुछ, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताती हूँ एक लाइन कि ह्यूमन हर्ट हैज़ 4 चैम्बर्स। सो यहाँ पे क्या है, ह्यूमन, हर्ट, 4 और चैम्बर, ये 4 ही लाइन वर्ड करो। आगे हैज़, हैव, जो मैंने सेंटेंस को जोड़ने के लिए बनाया उसको छोड़ दो। तो उससे क्या होगा, हमारी इमेजेस, जो हमारी आइज जो इमेज देख रही है, वो हमारे ब्रेन तक, उस कम अक्षरों को ज़्यादा टाइम मिल जाता है ब्रेन तक लेके जाने में। ठीक है, तो उससे हमारा ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरी चीज़ देखो, जब हम एक्टिवली स्टडी करते हैं तो हमारे सामने 2 चीज़ें आती है, एक आते हैं फैक्ट्स और दूसरी चीज़ होती है बेटा, दैट इज़ कॉन्सेप्ट्स। अब फैक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे मैंने कहा आप ये लगा लो
which is the largest bones of our body. या when did Vasco da Gama reach India? तो ये facts है. Concepts कौन से होते हैं, जैसे how human mind work, या ये कह सकते हो how our heart works. तो ये concepts हैं. फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग तरीके से लर्न करने चाहिए. फैक्ट्स को लर्न करने के लिए हमें क्या है, कुछ जिसको हम बोलते हैं निमोनिक्स या एक्रोनिम्स, इनकी मदद से हम लर्न कर सकते हैं. अब आप मिनोमिक्स होती है स्टूडेंट्स, जैसे आप किसी चीज़ को किसी के साथ रिलेट कर दो, उसका कुछ कोड वर्ड बना लो. जैसे मैंने बताया कि हम सभी ने एक वर्ड सुन रखा होगा स्टूडेंट्स, सन की लाइट में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन उन 7 कलर्स को हम याद नहीं रख सकते, हम भूल जाते हैं. तो ये विब्योर वर्ड सुना ना, VIBGYOR, तो V से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन. तो इस तरीके से हमें सारे कलर्स के हम सीक्वेंस भी याद रख सकते हैं और हम इजीली बता सकते हैं कि कौन से कलर 7 है. ऐसे ही जैसे मैंने अभी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, हमारे एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं, लेकिन कौन से एलिमेंट के बाद नेक्स्ट नंबर पर कौन सा है एलिमेंट आता है, तो मैंने इसकी बना रखी है क नी का मांगे ऑल्टो जिंक फरारी. तो क नी का मांगे ऑल्टो जिंक फरारी में क नी का मतलब क पोटेशियम, एन ए सोडियम, और क मतलब सी ए कैल्शियम, मांगे एम जी का, मांगे का सिंबल होता है बेटा एम जी होता है मैग्नीशियम, ऑल्टो मतलब ए एल. तो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हो. तो उससे क्या है, हमारे माइंड में इजीली वो चीज़ लर्न हो जाती है. तो कोई भी चीज़ आप जो फैक्ट्स है वो लर्न करने होते हैं, उसको आप इस तरीके से कुछ बना सकते हो. दूसरी जो चीज़ें हैं, आप माइंड मैप से भी कुछ फैक्ट्स या कुछ लर्न कर सकते हो. और तीसरी चीज़ है इमेजिनेशन से, आप इमेजिन कर लो कि जैसे मैं मेरा ही खुद का एग्जांपल देती हूँ अपने में, जैसे सन के अंदर जो रिएक्शंस होती है ना बेटा, न्यूक्लियर रिएक्शंस, तो मैं भूल जाती हूँ कि न्यूक्लियर फ्यूज़न होती है या न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होती है. तो फ्यूज़न में एफ यू आता है, एफ यू एस, तो एफ यू आता है, सन में भी क्या आता है एस यू, तो इसका मतलब फ्यूज़न होती है सन में और फ्यूज़न होती है एटम बम या हाइड्रोजन बम में. तो इस तरीके से कुछ कॉन्सेप्ट्स को हम इस तरीके से कर सकते हैं इमेजिन करके, माइंड मैप्स बना के. और इसी तरीके से जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना बेटा, उनको लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आप दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो. ओके, जैसे आप आगे मैं उसमें बात करती हूँ इसको कि किस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं. जितना हम फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे उतने ही कॉन्सेप्ट्स हमें याद रहेंगे. ओके, नेक्स्ट है क्लास नोट्स. सो हमें जितने भी क्लास नोट्स बनाते हैं ना बेटा हम, तो ये क्लास नोट्स कब बनाने चाहिए, जैसे मान लो आपके सामने क्लास नोट बोल दो, या इसको आप बोल सकते हो एक्टिव नोट्स. तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जैसे आप किसी वीडियो को देख रहे हो, उस वीडियो में आपको जो भी मेन पॉइंट्स लगते हैं, सपोज़ आपने केमिस्ट्री का या साइंस का चैप्टर 1 देख रहे हो, तो साइंस ऊपर लिख दो, उस पेज पे लिख दो जो अपनी रफ नोटबुक है जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, चैप्टर 1 साइंस, और वहाँ पे उस वीडियो से आपको जो भी चीज़ मिली है आप अपने शॉर्ट शॉर्ट मेन पॉइंट्स उसमें उतार लो. तो ये चीज़ें आपके हमेशा काम आएगी. आप हो सकता है उन जो वीडियोस देख के आप समझ में आ रहा है आपको, उसको आप बुक में भी कहीं पे अंडरलाइन करके, एक बार आपने बुक की स्टडी कर रखी होगी, बुक का पेज रीड कर रखा होगा तो आपको पता होगा, तो आप वहाँ पे भी वीडियोस को उसमें जो मेन बातें हैं वहाँ अंडरलाइन करके वहाँ पे भी आप इजीली लिख सकते हो. ओके, सो इसको हम बोलते हैं टेक एक्टिव नोट्स. चाहे आपका स्मार्ट क्लास में आप देखो, चाहे आपका टीचर समझा रहा हो, या आप किसी वीडियो से एक्टिव नोट्स बना रहे हो, बट कुछ चीज़ें हमें ज़रूर लिखनी चाहिए जब हम वीडियोस को देखते हैं. अपने हाथ में पेंसिल हमेशा होनी चाहिए. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, कभी भी लाइफ में ये मत सोचो कि मुझे तो ये चीज़ आती है, ये सोचो चाहे कितनी भी आती हो, मुझे एक बार दोबारा रिविज़न करनी है. चाहे वो सब आपने करके देख रखा हो, तब भी आपको दोबारा उसको करके देखना चाहिए. जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपका माइंड ज़्यादा प्रॉपर वर्क करेगा, ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा. और आप देख करके देखो, अगर आपने एक न्यूमेरिकल करके, आपने कोई मैथ का कोई सम करके देखा है, उसी सम को जब आप कई दिन के बाद करोगे तब आप उस सम को ज़्यादा की वजह कम टाइम में सॉल्व कर दोगे, और जब नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करोगे तो और जल्दी आप सॉल्व कर दोगे. क्यों? क्योंकि ब्रेन उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेता है. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, जब भी हम पढ़ते हैं ज़्यादा वॉच की तरफ नहीं देखना चाहिए, इससे हमारे माइंड में क्या होता है, स्ट्रेस आता है. एक चीज़ और, कभी भी हमें सो के नहीं पढ़ना चाहिए. अगर हम सो के स्टडी करते हैं ना बेटा, तो हमारी स्टडी में कभी भी वो जो इफ़ेक्टिवनेस आता है वो नहीं होगी.
अब टेक्स्ट बुक प्रॉपर कैसे पढ़नी चाहिए इसका सुनो ध्यान से। जब भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं प्रॉपरली, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें सपोज़ आज आपकी टीचर चैप्टर 2 पढ़ाएगी, आपको पता है आप पहले ही उस चैप्टर को, मैं नहीं कहती कि पूरा 1 बाय 1 लाइन पढ़ के जाओ, सिर्फ 5-10 मिनट की स्टडी है। 5-10 मिनट की स्टडी क्या होती है बेटा, जो मेन हेडिंग है ना चैप्टर में वो पढ़ो, और उसके पीछे जो समरी और क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं केवल वो पढ़ो। इससे आपके माइंड में क्वेश्चंस आएंगे और आपका ब्रेन 100% बोलती हूँ एक्टिव हो जाएगा उस चैप्टर में। फिर आपको क्या करना चाहिए, फिर हमें जो चैप्टर है बेटा उसमें सबसे पहले उस चैप्टर को रीड करो। जब आपकी चैप्टर टीचर करवा चुकी है उसको रीड करो, पहले रीड नहीं करना, पहले क्या करना है केवल उनकी मेन हेडलाइंस और उसके पीछे समरी और जो क्वेश्चन आंसर है, उससे आपके दिमाग में ये चैप्टर का सर्वे हो गया। उससे आपके माइंड में क्या हो गया बेटा, क्वेश्चंस आएंगे तो आपका माइंड उस चैप्टर के लिए एक्टिव हो जाता है। फिर क्या करना चाहिए, जब आपके टीचर जो चैप्टर करा रहे हैं उसको कराने के बाद आप उसको अच्छी तरीके से रीड करो विथ योर पेंसिल। फिर जो लाइन आपने पढ़ ली, उन जैसे आपने 5-10 लाइन्स पढ़ ली, अब उस बुक को बंद करके उन सेम लाइन को आप रिसाइट करके देखो कि जिसमें जो कॉन्सेप्ट था या फैक्ट था क्या वो मुझे लर्न हुए हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सारे चैप्टर्स आप रिवाइज़ करते जाओ और लास्ट में आप पूरे चैप्टर को रिलेट करके देखो लाइफ में ये चैप्टर मेरे लिए कहाँ पे कुछ यूज़फुल है, रियल लाइफ के लिए भी आप उसको रिलेट कर सकते हैं। अब जो मैंने बताया था एक्टिव स्टडी में क्या है, जब हम दूसरों के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में, सपोज़ ये जो पिंक कलर की जो शर्ट वाला जो स्टूडेंट है वो मान लो दूसरों को समझा रहा है, तो जितना भी ये समझाएगा ना ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने माइंड से ही आपको दे रहा है, तो जहाँ पे इसको ये रुकेगा तो इसको पता चल जाएगा कि तुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं आता। आप खुद भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आप एक बार, हमें ज़रूर लगता है कि मैं किसको पढ़ाऊँ, मैं क्यों पढ़ाऊँ, लेकिन ये सच्चाई है बेटा, अगर आपने किसी अपने फ्रेंड से अपनी सेम क्लास के स्टूडेंट्स को अगर वो टॉपिक पढ़ा लिया ना, तो आप खुद केवल लाइफ में एक बार पढ़ा के देख लो एक चैप्टर, फिर आप खुद सर्वे कर लेना कि जो आपने एक चैप्टर अपनी फ्रेंड को पढ़ाया था और बाकी चैप्टर आपने खुद लर्न किया, आपको ज़्यादा चैप्टर कौन सा लर्न है, खुद आपको पता चल जाएगा। ओके, सो डिस्कस विथ अदर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में मैं सिर्फ एक ही बताऊँगी कि ये जितनी वीडियोस मैंने आपको बताई है, अगर आप लाइफ में इसको फॉलो करोगे तो आपको एक स्मार्टर वे में आपको मैक्सिमम मार्क्स आउटपुट आपका आएगा और लेस टाइम आपको लगेगा। अच्छा, आने वाली वीडियोस, जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी बेटा, उसमें मैं आपका वीकली स्टडी टाइम टेबल, क्योंकि मेरे पास टाइम टेबल के लिए डिमांड आई है, मैं दोनों टाइम टेबल बनाऊंगी। जो टाइम टेबल ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वो होता है वीकली टाइम टेबल। ओके, और कुछ स्टूडेंट्स डेली टाइम टेबल के लिए भी, 24 आवर्स का टाइम टेबल के लिए भी डिस्कस करते हैं कि डेली का टाइम टेबल होना चाहिए। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द टाइम टेबल। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।